वाओ, ये पार्क तो बहुत मस्त है। ये तो सिर्फ बाहर का नजारा है, अंदर तो इससे भी अच्छा है। मैंने सुना है ये पार्क सिलीगुड़ी में फेमस है। ये सिर्फ पार्क नहीं है, ये रिजॉर्ट भी है। हो गया तुम दोनों का, चलो अब अंदर। हाँ रुको, मैं पहले टिकट काट के आती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ माफ मिल जाए मुझे, आंसू थम जाए मेरे, बात ये सुन ले। ये देख मैंने टिकट ले ली, चल अब जल्दी चलते हैं। हाँ चल। के आज कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज कोई दुआ करो, कोई दुआ करो, कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज इस रात की कोई सुबह करो, कोई सुबह करो मेरे लिए। निमिता अश्विनी चल ना पकड़न पकड़ना खेलते, तुम दोनों मुझे पकड़ो, पकड़ो मुझे। मंदिरा तुझे लगी तो नहीं ना जोर से इसकी, तुम्हें अपना हाथ संभाल के रखिए। इस दो कोड़े की लड़की ने मेरा हाथ कैसे रोका? उसकी अकल देखी, एटीट्यूड तो ऐसे दिख रही है जैसे डिमलन उसके बाप का है। चल मंदिरा हम इसको पीट के आते हैं। नहीं, आसपास बहुत सारे लोग हैं, इसको हम अपने तरीके से देखेंगे। चल पार्क घूम के आते हैं। चल अच्छा तो इसकी औकात ये है, ये इस पार्क की झाड़ू वाली है। चल आज इसकी औकात दिखाते हैं। आप लोग थोड़ा साइड हटिए, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। ओए झाड़ू वाली इधर आ और इसे साफ कर। सुनाई नहीं देता क्या तुझे? आप लोग ऐसे खाने को ऐसे फेंक क्यों रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। आप जो ऐसे खाने को फेंक रहे हो ना, आपको पता है हमारे देश में आज भी ना जाने कितने लोग भूखे पेट सोते हैं। अब तू हमें सिखाएगी, और वैसे भी हम तो तुझे तेरी औकात दिखा रहे थे। हम गंदा करेंगे और तू वो गंदगी साफ करेगी। चल अब ये भी उठा। क्या देख रही है? उठा इसे। ओए झाड़ू वाली चल साफ कर इसे। अबे सुन ओए झाड़ू वाली, मेरी बुरी नजर तुझ पर पड़ चुकी है। तूने मेरा हाथ रोका था ना, अब देख इसका अंजाम क्या होता है। अब तू उसकी आदत डाल दे। सारे रास्ते ढूंढे मैं अपने घर का पता, जाने क्यों भूले मैं जिस मोड़ से मुड़ गया मैं, औरों से क्यों जुड़ गया मैं, अपनों से ही खता, जाने क्यों कर गया मैं। माफ मिल जाए मुझे, आंसू थम जाए मेरे, बात ये सुन ले वो खुदा। यार मिमी सिमी, कल की वो झाड़ू वाली लड़की दिखाई नहीं दे रही है, लगता है डर के मारे भाग गई। वो
झाड़ू वाले को ढूंढते ढूंढते मुझे तो भूख लगी, चल ना कुछ खा लेते हैं। हाँ चल, मुझे भी भूख लगी। हाँ ठीक है। अरे यहाँ पे तो सफाई चल रही है, चलो दूसरे टेबल में जाके बैठ। नहीं नहीं, सफाई कंप्लीट हो गई है। ओ तो झाड़ू वाली तू है, तो यहाँ क्या कर रही है? कहीं तू वेटर तो नहीं? लगता तो वही है। खैर छोड़, जा और हमारे लिए 3 कप कॉफी लेकर आ, और सुन कॉफी गर्म होनी चाहिए। ठीक है, आप सब बैठिए, मैं कॉफी लेके आ रही हूँ। कॉफी लेकर आने देना उस झाड़ू वाली को, फिर होगा असली खेल। हाँ। चल बैठते ये रही आपकी कॉफी। साली ने जानबूझकर मुझे गर्म कॉफी दी है। आप लोग अपनी कॉफी एंजॉय करिए। अबे ओए रुक, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तूने मेरे साथ की है। तूने जानबूझकर मुझे गर्म कॉफी दी है ना, ताकि मेरा हाथ जल जाए। ये आप कैसी बात कर रहे हो? आपने कहा था ना कि कॉफी गरम लाना, और वैसे भी कॉफी गरम ही होती है। कॉफी गरम होती है या ठंडी तू हमें सिखाएगी? साली 2 कड़े की झाड़ू वाली तेरी तो। भैया। हाँ भैया बोलिए। मंदिरा, हमारे कंपनी में तेरी जॉब लग चुकी है, तू जल्दी आ जा अपने दोस्तों को लेके। क्या भैया सच्ची? ठीक है भैया, हम लोग अभी आ रहे हैं। गाइस, हमें जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था उस कंपनी से हमें बुला रहे हैं, वो भी अभी। हमें अभी निकलना होगा, चलो। हाँ आज तो तू बच गई। राज भैया कंफर्म है ना कि हमें ये जॉब मिल जाएगी? हाँ जॉब तो कंफर्म है, मैंने हमारे कंपनी के ओनर से बात कर ली है, और मैंने ये भी बोल दिया कि तू मेरी बहन है, डोंट वरी तुझे जॉब मिल जाएगी। भैया और कितना टाइम लगेगा आपके बॉस को आने में? आते ही होंगे, क्या है ना बॉस का बहुत सारा काम रहता है ना, इसलिए थोड़ा। ठीक है तुम लोग बात करो, मैं देख के आता हूँ। ठीक है भैया। सारा जग घूमे आ मैं, सारे रास्ते ढूंढे आ मैं, अपने घर का पता जाने। झाड़ू वाली तू यहाँ? जिस मोड़ से मुड़ गया मैं, औरों से क्यों जुड़ गया मैं, अपनों से। बाप रे, तेवर तो देख इसकी, लगता है ये भी यहाँ पे जॉब ढूंढने आई है, झाड़ू मारने की। अच्छा ही हुआ, बहुत मजा आने वाला है। हाँ। तो चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। ओए लड़की, तू भी यहाँ क्या जॉब के लिए आई है? तू तो उस पार्क में झाड़ू मारती थी, और तू यहाँ भी आ गई काम ढूंढने? सच में ये गरीब लोग ना एकदम गधों की तरह काम करते हैं। देखो तमीज में रहो। देखो तमीज तो हमें आती है, लेकिन हमारे लेवल वालों से, तुम्हारे जैसे 2 कोड़ी के लोगों से नहीं। मंदिरा, ये कैसी बात कर रही है? भैया आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? आप इसे नहीं जानते, ये एक झाड़ू वाली है, एक झाड़ू वाली।
ये झाड़ू वाली नहीं, ये हमारे बॉस है, हमारे कंपनी के ओनर, हमारे मालिक। मैम आपसे मुझे एक बात करनी। हाँ कहो। मेरी ना एक बहन है, अगर हमारी कंपनी में उसको एक जॉब दे देते तो अच्छा। तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो, बुला लो अपनी बहन को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, चलो अब ऑफिस का टाइम हो रहा है। क्या मालिक? हाँ मालिक। पर तुम तो उस पार्क में झाड़ू लगाती थी। हाँ झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि वो पार्क मेरा है। क्या? मैडम आप थक गए, आप जाइए थोड़ी देर रेस्ट करिए, तब तक मैं झाड़ू लगा रही हूँ। नहीं मैं नहीं थका, कर लूंगा मैम। जाइए, मैं कह रही हूँ ना, आप रेस्ट करिए। ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू। मैम आपने उन लोगों को कुछ बोला क्यों नहीं? हर बार हमें जवाब देना जरूरी नहीं होता है। और वैसे ये बात छोड़ो, आज तो मिस्टर पाटिल के साथ मीटिंग था ना। हाँ मैम, मैं मीटिंग की सारी तैयारी कर ली। यही सोच रहे हो ना कि उस रेस्टोरेंट में मैंने वेटर का काम क्यों किया? क्योंकि वो रेस्टोरेंट भी मेरा है, और अपने रेस्टोरेंट में कोई काम करने से वेटर नहीं होता। मुझे लगता है कि हमारे इस पार्क में बच्चों के लिए कुछ गेम जोन बनाने चाहिए, कि वो उनकी फैमिली के साथ आए और एंजॉय कर पाए। जी मैम, बहुत अच्छा आइडिया है, मैं देखता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ देखा है, हम सिर्फ बड़ों के लिए ही सब कुछ सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए ऐसे कुछ है नहीं। चाहे सजा दे मुझे, अब तो गले से ले लगा। जी मैम, मैं आज जाके बात करता हूँ। ठीक है, तुम जाके बात करो, मैं आज कोई दुआ करो मेरे लिए, आज कोई दुआ करो। मैडम आप, क्या हुआ, तबीयत खराब है? जी मैम, पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, तबीयत खराब है तो जाओ छुट्टी करो। पर मैम, मैंने कहा ना, जाओ रेस्ट करो। टेबल में भी कितने सारे डस्ट है। सारा जग घूमे आ मैं, सारे रास्ते ढूंढे आ मैं, अपने घर का पता। देखिए हमें नहीं पता था कि वो डिमरन पार्क आपका है, और आपको देख के लगता भी नहीं है कि आप इतने बड़े कंपनी के ओनर हैं। क्यों क्यों नहीं लगता है तुम लोगों को? क्योंकि मैंने ऐसे सिंपल से सूट पहने हैं, इसीलिए साधारण सी रहती हूँ, इसीलिए। इसका मतलब तो तुम लोग भी उन लोगों में से आते हो जो लोगों के कपड़े देख के उन्हें जज करते हैं। तुम लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लोग ये सोचते हो कि अगर कोई लड़की सूट पहन ले इसका मतलब वो बहन जी है, अगर कोई लड़की सूट पहन ले इसका मतलब वो गरीब है, अगर किसी लड़की ने सूट पहन लिया तो उसका मतलब आप उसके साथ बदतमीजी कर सकते हो, वो पलट के जवाब नहीं देगी। और शायद तुम लोग ये भूल रहे हो कि सलवार सूट और साड़ी हम इंडियन लड़कियों की पहचान है, और मुझे गर्व है कि मुझे सूट पसंद है। सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमने बहुत बदतमीजी की आपके साथ। ये बदतमीजी मेरे साथ ही नहीं, न जाने हमारे देश में कितने लड़कियों के साथ हो रही है। तो प्लीज आप लोग कपड़े देखकर जज करना बंद कर दीजिए। मैडम सॉरी, मेरी बहन ने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। राज तुम माफी मत मांगो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मैम प्लीज हमें माफ कर दीजिए, और आज के बाद हम किसी के कपड़े देखकर उन्हें जज नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। प्लीज मैम हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, अपने अपने सोच को बदलो। और तुम सबको पता है हम लड़कियां सूट में कितनी प्यारी दिखती है,
राज, इन्हें अपने अपने काम समझा दो। जी मैम। बट मैम हमारी जॉब मिल गई। थैंक यू। आ जा रहा। थैंक यू मैम। ओए सच में हम लोग बहुत प्रीटी लग रहे हैं ना। हाँ यार बहुत प्रीटी लग रहे हैं। मैं जग घूमे मैं सारे रास्ते ढूंढे मैं। मैम आपने सही कहा था, हम लड़कियां सूट में बहुत प्यारी लगते हैं। हाँ सच में तुम तीनों बहुत प्यारे लग रहे हो। जाओ अब काम करो। जी मैम। मिल जाए मुझे आंसू थम जाए मेरे। कौन कहते हैं कि हम लड़कियां सबसे सुंदर शॉर्ट ड्रेस में लगते हैं? हम लड़कियां तो सबसे सुंदर सूट और साड़ी में दिखते हैं। अगर आपने भी कभी सूट और साड़ी नहीं पहनी तो पहनिए, क्योंकि आप बहुत प्रीटी लगेंगे तब। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार दिया है। इसी तरह मुझे प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।